नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त की एक बड़ी खबर बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मार्ग के भौरा चौक पर आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा जो है यहां पर सड़क जाम कर दिया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां पर कि ग्रामीणों के द्वारा जो है एक शव को रखकर भौरा चौक के पास जो है सड़क को जाम कर दिया गया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि कल जो आपको एक खबर मैंने बताई थी कि बुनियादी केंद्र सिमरी बख्तियारपुर में जो है एक गार्ड की नौकरी करने वाला सचिन नामक युवक का जो है ऊपरी रूम में बंद कमरे से शव बरामद हुआ था। वो रात पोस्टमार्टम उपरांत सब को जो है परिजनों को सौंप दिया गया। आज सुबह जो है परिजनों के द्वारा जो है सब को भौरा चौक के पास रख यहां पर सड़क जाम कर दिया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि सचिन की हत्या की गई है, सचिन ने आत्महत्या नहीं किया है। इसी को लेकर जो है अभी भौरा के पास जो है अभी सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मार्ग को कम्प्लीट रूप से सुबह से ही जाम कर दिया गया है। दोनों साइड जो है राहगीरों की भीड़ लगे हुए, यहाँ पर आक्रोशित लोग जो है समय समय पर जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, टायर जलाई गई है। अभी सिमरी बख्तियारपुर SDPO मुकेश कुमार ठाकुर, इंस्पेक्टर सुजाउद्दीन, थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान पुलिस बलों के साथ यहां पर पहुंचे हैं और आक्रोशित लोगों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन जाम अभी भी लगा हुआ है। अब आक्रोशित लोगों से जो है वो वार्ता चल रही है। अभी सीधी तस्वीर आपको भौरा चौक से हम दिखा रहे हैं। आइए सीधे हम आपको सुनाते हैं कि जाम कर रहे हैं जाप नेता पुनपुन यादव क्या कर रहे हैं। रात में जो घटना हुआ वो हत्या किया गया है इस बच्चे का, जो सचिन कुमार नाम का था। उम्र लगभग वही 20-22 के था। वहाँ पे कोई निजी कंपनी था, उसके वो गार्ड के रूप में बुनियादी केंद्र में वो रहते थे, नाइट ड्यूटी करते थे। जब रात को ड्यूटी करने के बाद दिन में घर नहीं आए, उसके बाद उसको ग्रामीण को पता चला था। ग्रामीण जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे उसका लाश पड़ा हुआ था। तब प्रशासन को सूचित किया गया, प्रशासन तब उसका पोस्टमार्टम करके इसको छोड़ दिया। अब पोस्टमार्टम करने के बाद इस पीड़ित परिवार से अभी तक न दरोगा मिलने के लिए आया है, न कोई किसी तरह का बातचीत हुआ है कि आवेदन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इतनी बड़ी घोर लापरवाही है कि समझिए कि 12 घंटा से ज्यादा हो गया है। प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, प्रशासन को सिर्फ वहाँ पे दलाली करने में वहाँ पे बैठा हुआ है थाना में। कैसे हमको माल आवे। लेकिन एक पीड़ित परिवार, एक घर का चिराग उजर गया है, एक बच्चा का यहाँ मर्डर हो गया है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी कर्मी है, सरकारी ऑफिस में वो नौकरी करते थे, सरकारी क्या कहते हैं पदाधिकारी वहाँ पे रहते थे, उसके बावजूद वहाँ पे उनका मर्डर हो जाता है और बख्तियारपुर प्रशासन सुतले रह जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं हत्यारे को 24 घंटा के अंदर उसको सजा होना चाहिए। दूसरी बात, जिस कंपनी के तहत सचिन कुमार वहाँ पे नाइट गार्ड में रहते थे, वो कंपनी कम से कम 20 लाख रुपया अभी उसको मुआवजा प्रदान करे, तभी रोड जाम हटेगा, नहीं तो रोड जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? कुनकुन यादव।